आज तो मेरी जान 17 समण का रह तू। अरे डार्लिंग तेरे से तो कम लग रहा हूँ। अरे सच्चा यार है तू मेरा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तोड़ेंगे अगर एक दिन चोमू के दांत तोड़ेंगे। तुम दोनों मुझे चोमू क्यों बोल रहे हो? मैं तुम दोनों की कंप्लेंट कर दूंगा। अरे चोमू मतलब होता है चार्मिंग शॉर्ट फॉर्म में। ओके ओके। अबे चोमू तू होमवर्क करके लाया है क्या? मैं तो हमेशा करता हूँ एवरीडे। हट पागल है, आज तक कोई ना देखा है। क्यों? अबे भूल गया, कल मास्टर ने बोला था वो 3 महीने की छुट्टी पर जा रहे हैं, आज कोई और पढ़ाने आएगा। बनता है पटाखू अपने आप को। चलो सही है, वैसे वो बहुत पकाता था। हाँ तो जो नया आएगा वो भी पकाएगा। ओ तुमको शर्म नहीं आती? तुम टीचर्स के बारे में कैसी बात कर रहे हो? टीचर भगवान होते हैं भगवान। अबे जाना, किसी जमाने में भगवान होते होंगे टीचर, आजकल के टीचर बस पकाते हैं। पढ़ाने लिखाने से मतलब नहीं है, पैसा कमाने से है। भाई मैं तो सोच रहा हूँ जो नया टीचर आएगा उसको हम कैसे परेशान करेंगे। एक काम करें, बोर्ड पे लिख देते हैं साइमन गो बैक। अबे नए टीचर का नाम साइमन थोड़ी होगा, उसका नाम क्या है तो पता करो। तो कौन करेगा? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि सब टीचर का फेवरेट बच्चा है तू, पूरे दिन स्टाफ रूम में पढ़ा रहता है और तुझे डांटता भी कोई नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा। अबे जा ना, चोमू ड्रामे कर रहा है। लेकिन कुछ बात हुई ना मैं तुम सबका नाम लगा दूंगा। हाँ ठीक है जाब। हाँ बता क्या नाम है और कौन है? भाई ये तो नहीं पता चला कौन है, स्टाफ रूम का गेट बंद था, मगर सर की आवाज आ रही थी, काजल काजल कह रहे थे। भाई कोई पहाड़ी होगा, वही रखते हैं लड़के वाले नाम। मेरी बुआ की भी वही शादी हो रखी है, और पता है मेरे फूफा का नाम रजनी है। लड़के वाला नाम। अरे तेरी बुआ का? सूरज। सही है भाई। और भाई हमारे स्कूल में कोई फीमेल टीचर थोड़ी है, कोई मेल ही होगा। अरे फीमेल टीचर छोड़े, हमारी क्लास में कोई लड़की भी नहीं है, साला ऐसा लग रहा है बॉय स्कूल में पढ़ रहे हैं। अरे भाई छोड़ ना, क्यों दुखी हो रहा है? चल ठीक है, फिर कौन लिखेगा बोर्ड पे? काजल गो बैक। भाई मैं लिख दूं बोर्ड पे, काजल गो बैक। वाह मेरे शेर, जा लिख दे। अरे बैठे चले, लिख दे। हाँ ये आओगे मजा। रोज ऐसे ही मजे लेंगे, वैसे भी 3 महीने में चला ही जाएगा उल्टा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Sit down. मैं आपकी न्यू टीचर काजल। Nice to meet you, ma'am. Me too, students. भाई मेरे दिल की धड़कन है ना तेज हो रही है। भाई मेरी तो शायद रुकी गई। अबे चोमू मर मत जाइयो, कभी स्कूल की छुट्टी करवा दे और मैडम घर चली जाए। ना ना भाई मरना क्या है, अब तो प्यार में जीने का टाइम आया है। भाई मेरे तो दिल की घंटी बज गई। Hey you, third desk. ये क्या घंटी घंटी बोल रहे हो तुम? मैडम मैं तो गाना गा रहा हूँ। तूने मारी एंट्री यारे दिल में बजी घंटी यारे टन टन टन। क्या बदतमीजी है ये? अरे मैडम बदतमीजी नहीं है, आज सैटरडे है ना, तो आज के दिन की शुरुआत अंताक्षरी से करते हैं हम। ओ अच्छा अच्छा फिर ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं है मैम। अबे चुप रह ना तुम। चलो स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक निकालो। बस इनफ, मेरा नाम ब्लैक बोर्ड पे किसने लिखा? काजल गो बैक। नहीं नहीं मैडम, काजल क्यों गो बैक है? काजल कम क्लोज मैडम, कम क्लोज। बैक तो आपके दुश्मन जाएंगे। क्या क्लोज क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैडम कुछ गलत नहीं है, क्लोज मतलब है हमें पास में आकर पढ़ाओ। मैडम दूर से थोड़ी समझ में आएगा कुछ, हमारे सबके पास में आके पढ़ाना हमें। ओ अच्छा अच्छा फिर ठीक है, बट मुझे ये बताओ ये लिखा किसने है? मैम इसने लिखा आपका नाम, और यही आपका नाम पता करने स्टाफ रूम में गया था। हाँ मैम अगर यकीन नहीं होता ना आप कैमरे में देख लो। Hey first desk, तुम स्टाफ रूम में गए थे?
मैम वो हाँ या ना? मैम दे आस्क मी टू डू दिस। वेरी बैड, दिस इज हाउ यू ट्रीट योर टीचर। हाँ भाई, टीचर तो भगवान समान होती है। शर्म नहीं आई तुझे? वेरी बैड, देख लूंगा तुम सबको। बच्चों ये बताओ मुझे, तुम्हारी क्लास में इतने कम बच्चे क्यों हैं? मैम वो हमारे गांव में दो ढाई तीन दिन भैंसों की, तो सारी जनता वही गई है। क्रेजी किड्स। चलो अब सब बच्चे मुझे अपने अपने इंट्रोडक्शन देंगे। मैम माय नेम इज सुरेश शोकिन, आई एम मॉनिटर ऑफ दिस क्लास। आई ऑलवेज कम फर्स्ट इन एकेडमी एंड माय एंबिशन इज बिकम टू पायलट। वेरी स्मार्ट, बैठ जाओ। नेक्स्ट, हाँ तुम जिसकी घंटियां बज रही थी, बताओ। मैम मेरा नाम ऋतिक है, मेरे पापा की दूध की डेयरी है और मैं बड़े होके गायों का दूध निकालूंगा। ओके, फैमिली बिजनेस बढ़ाओगे, बैठ जाओ। नेक्स्ट। मैम मेरा नाम तिलक दिया है, मुझे गेम खेलने का बहुत शौक है। चलो अच्छी बात है, बैठ जाओ। नेक्स्ट। मैम मेरा नाम रोहित शरावत और मैं अपने देश के लिए ना कुछ करना चाहता हूँ और फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखता हूँ। वेरी गुड रोहित, इतने फिट और देश के लिए भी कुछ करना चाहते हो, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू मैडम। अबे देश के यूथ, तू तो कहता था बड़े होके तू ट्रक चलाएगा, तू कब बदल गया? अरे पागल, ईसा जवाब दो, जिस तरह से मैं इम्प्रेस हो गया, तेरी धीरे थोड़ी बैसा का दूध काटूंगा। चलो बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करें। हाँ हाँ मैडम प्लीज। मैम सर ने सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, आप टेस्ट ले लो, आपको पता लग जाएगा किसको कितना आता है। अरे बस बस, आज कोई टेस्ट नहीं लूंगी मैं, आज मेरा फर्स्ट डे तो आज कोई टेस्ट नहीं होगा। क्या बात है मैडम, आप कितनी प्यारी हो, हम बच्चों के बारे में कितना सब सोच रही हो। बस बस अब मक्खन मत लगाओ। अरे मैडम ऐसी बात नहीं है। मैम आप अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम काजल है, मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी है और रोहित की तरह मैं भी हमेशा से देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। वाह मैडम, हम दोनों कितने सेम है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने जर्नलिज्म करी थी ताकि मैं देश के गरीबों की आवाज बन सकूं। मैम आप औरत नहीं हो। What? मैम देवी हो, देवी, साक्षात देवी का रूप हो आप। ओ अच्छा, देखिए क्यों कर लैन मारा है मैडम पे, इन्हें तो छुट्टी में देखूंगा मैं। हाँ भाई भाभी इसकी शर्म भी नहीं आती। वही है, इन्हें देखेंगे आज। ठीक है भाई। चलो बच्चों आज की क्लास तो खत्म हो गई, कल मिलते हैं। बाय बाय मैडम। अरे ओ काजल मैम के पीछे क्यों पड़ रहा है तू? क्यों भाई, दिल आ गया मेरा? जबान संभाल के, भाभी है तेरी। ओ भाई ओ, मैं नहीं मानता, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरे प्यार नर जाड़ ना दोनों ने तोड़ दूंगा, थोड़ा संभल के ना दा, तेरा प्यार खंडा खंडा अंडेगा। ऐसे थोड़ी होता है। चले भाग यहाँ से, देख लूंगा। चल 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 भाई, तेरे एक बात बता दूं कि वो मैडम मना घड़ी पसंद है, मेरा सच्चा प्यार है वो। पागल है के, मेरा सच्चा प्यार है, किसी बात कराया है, समझ गया बात ने? भाई ठीक है, आज तो तेरे मेरे रास्ते अलग। हाँ चल ठीक है चल। क्या बात है, आज बड़ी शांति है। मैम लोगों ने ना अपने असली रंग दिखा दिए। बस बस ज्यादा ड्रामे हो रहे हैं। प्लीज मैम पढ़ाई स्टार्ट करें। हाँ हाँ बच्चे, व्हाई नॉट। आज सारे बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे और उसमें एक एक स्टोरी लिखेंगे और वो स्टोरी सारी क्लास के सामने पढ़ के सुनाएंगे। मैम आई एम डन, सबसे पहले मैंने करा। हाँ हाँ ठीक है, चलो सुनाओ। मैम मेरी कहानी एक स्मार्ट से बच्चे की, सुबह उठता है, घर वालों के पैर छूता है, स्कूल में फर्स्ट आता है और बड़ा होकर पायलट बन जाता है, फिर वो अपने स्कूल के टीचर से शादी कर लेता है। बड़ी अजीब स्टोरी आपकी बच्चे, चलो कोई बात नहीं बैठ जाओ। हाँ जी आप बताओ घंटी वाले, अपनी स्टोरी बताओ। मैम मेरी कहानी का शीर्षक है मतलब ही दोस्त। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त का घर बिगाड़ देता है और खुद खुशी खुशी रहता है और ना वो उसके जज्बातों की कदर करता है, इसलिए उनकी दोस्ती टूट जाती है।
अजीब अजीब स्टोरियाँ क्यों सुना रहे हैं? बैठ जाओ, तुम सुनाओ। कहानियाँ शिक्षक होता है काम से काम रखना। एक लड़का होता है, उसे कोई मुसीबत आती है तो वहाँ चला जाता है, इसे उसका मुंह टूट से बच जाता है। ठीक है चलो बैठ जाओ। चलो रोहित अब तुम सुनाओ। मैडम मेरी कहानी का शीर्षक है दोस्त। ये कहानी है दो दोस्तों की, उनमें बहुत गहरी दोस्ती होती है और एक दोस्त को समझ में आती है चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, एक दोस्त अपने दोस्त की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। थैंक गॉड किसी एक लड़के की तो स्टोरी पसंद आई मुझे। वेरी गुड, बैठ जाओ। थैंक यू मैडम। चलो बच्चों आज क्लास यहीं तक की थी। ओके कल मिलते हैं, बाय बाय। मैं तेरी कहानी से सब समझ गया। मैं तेरे लिए खुश हूँ और हमेशा खुश रहूँगा। तू मेरा यार है। मैं भी समझ गया था यार तू मेरे कितना प्यारा है। तेरे मारे तो मैं टाइम पर स्कूल में आया करूँ, तू ना हो ना तो मैं भी ना हूँ। बस डार्लिंग रुलाएगा क्या? अरे रोए तेरे दुश्मन ने। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तोड़ेंगे हम मगर चोमू का सर तोड़ेंगे। अरे गड़े तो लग जाब। इसी बात करे है यार। यार इतनी मुश्किल ज्यादा गेम्स का पीरियड लग गया है, अरे मास्टर ने सारी आने लेट आवा है। सही कह रहे भाई। और अब देखियो आती क्या कहेगा कि हम क्यों लेट हैं। जवानो व्हाई यू लेट? सर हम तो टाइम पे ही आए हैं। मुझे सिखा रहा है यू फूल, जाओ दौड़ लगाओ। टेन सर का सॉरी सर। नो सॉरी नो थैंक यू। व्हेन आई से दौड़ लगाओ दौड़ लगाओ। नाउ गो एंड डोंट मिसयूज। मिसयूज? अरे एक्सक्यूज बोलना चाह रहा है। सर आज क्या करना है? यू स्टूपिड गो बी अ फूल, दिस इज इंग्लिश स्कूल। आई बोल ला इंग्लिश यू बोल ला इंग्लिश। ओके सर। पहले सारे जवान डू कसरत, चलो गो ओपन योर मसल। ओपन योर मसल? अरे स्ट्रेचिंग की कवा है। देखो बच्चों विदाउट कसरत वी आर नॉट पावरफुल लाइक हल्क, वी आर वीक लाइक गोबी का फूल। व्हाई यू लाफ? आई एम जोक। यू आर गोबी का फूल से ही बड़ा फूल। यू आर बैंगन। Ma'am, you coming my ground? Me very happy. I'm also happy to see you, sir. आप आए तो जिंदगी में चार चांद लग गए। अच्छा सर। देखो इस इंग्लिश के चौधरी को, सब साले आशिक बन रहे हैं। हाँ सही कह रहे हो। अरे सामने देख। सर मैं सोच रही थी आपका ये पीरियड मैं ले लेती हूँ और मेरा पीरियड आप ले लेना। वो क्या है ना कि आज मुझे जल्दी जाना है। अरे मैम क्यों नहीं? If you want, take my prank. Life. I will not say anything. अगर कोई और ले लेते ना गेम्स का पीरियड यहीं मायूद हो जाता, लेकिन इतनी प्यारी है दुख भी नहीं हो रहा। ओके मैडम। अरुण भी इस दरियाई घोड़े ने देखने से बढ़िया अपनी काजल मैडम में देखेंगे क्लास में बैठ कर। कम ऑन स्टूडेंट लेट्स गो टू क्लासरूम, यू विल गेट योर लास्ट पीरियड फॉर गेम्स। सब के सब ना हमेशा शोर मचाते रहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। तुम लोगों के रहते हैं ना, मेरी आज तक कभी कोई मॉर्निंग गुड नहीं हुई। अरे नहीं नहीं इतने बुरे भी बच्चे नहीं हैं, इन्होंने आज ही मुझे स्टोरीज सुनाई, समझ में तो नहीं आई है लेकिन फिर भी अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी। चलो मैडम आप कहते हो तो मान लेता हूँ, बाकी एक नंबर के नालायक हैं ये, नाक में दम कर रखा है इन्होंने मेरी। बट सर आई ऑलवेज कम फर्स्ट इन क्लास, आई एम इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मैं इनकी तरह नालायक नहीं हूँ। अरे सर ये बताओ ना यहाँ पर आना कैसे हुआ आपका? अरे हाँ जो बात करने आया था वो तो मैं भूल ही गया, कल मेरी एनिवर्सरी है तो काजल मैम नहीं आएंगी, कल आप लोगों की छुट्टी रहेगी। आपकी एनिवर्सरी है तो काजल मैम क्यों नहीं आएगी? आप बेशक बताओ आपके आने से हमें कौन सा फर्क पड़ता है? अरे मेरी एनिवर्सरी है तो काजल मैम की भी होगी ना। उनकी क्यों होगी, आपकी वाइफ की होगी। अरे तभी तो बोल रहा हूँ ना काजल मैम की भी होगी। एक मिनट मतलब आप और काजल मैम, मतलब काजल मैम और आप, समझे नहीं कुछ। अरे हाँ स्टूडेंट्स हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही हैं। ये आपकी वाइफ है? अरे अब लिख कर दूँ क्या, कल मत आना, भागो यहाँ से, चलो काजल मैम।
मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। कोई नहीं भाई, छोड़, मेरा भी रह गया। सही कह है, छोड़ और कर भी कैसे कह, चलो चलेंगे। यार के यार, एक मैडम पसंद आई थी, उसका भी है ना ब्याह हो रहा है, वो भी किस्त है, प्रिंसिपल सर है। अरे भाई भाई, मैथ वाले का ट्रांसफर हो गया और उसकी जगह कोई मैडम आई है। अच्छा, 22 बारिया मैडम मेरी है। हाँ भाई मेरी। ना 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 ना